सत श्री अकाल जी, टैट स्टडी प्रैपरेशन दे विच आप सब का स्वागत है। अज आप करन वाले हैं पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल का जो एग्जाम होया सी 25 सितंबर 2021 सिफ्ट 1 का ये एग्जाम है। तो कंप्लीट क्वेश्चन करांगे जीके दे अज दी वीडियो दे विच। बाकी तुसी मेरे चैनल नू सबसक्राइब कर सकते हो क्योंकि आप कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं इस चैनल से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन है जी अपना, कोणार्क सूरज मंदिर किथे स्थित है? तो कोणार्क सूरज मंदिर उड़ीसा दे विच है। पटचित्र कला का मूल हेठा दित्या विचों केड़ा राज है? तो इसका राइट आंसर भी उड़ीसा ही है। पंजाब के किस हिस्से विच रेत के टिब्बे पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि दक्षण पछम के विच पंजाब के राजस्थान पैंदा है, उत्थों रेत उड के पंजाब वाल आ जाती है। तो दक्षण पछम विच रेत के टिब्बे पाए जाते हैं। दुनिया का सब तो बड़ा सोलर टी भारत के किस राज्य विच स्थित है? तो यह पछमी बंगाल दे विच है जी। भारत ते डैश विचकार एक सांझा सैन अभ्यास होया जिसनों युद्ध अभ्यास 2021 के नाम नाल जाणिया गया। तो यह भारत ते केड़े देश दे विच होया? तो भारत ते यूएसए दे विच यह युद्ध अभ्यास होया सी। उस तो बाद नैक्सट है पंजाब का अर्थ डैश की धरती है, ये तो तुहानू सारयां नू पता ही होना, पंजाब पंज दरियावां की धरती है जी। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है अपना, पंजाब विच केड़ियां दो फसलां की सब तो वध खेती की जाती है? पंजाब विच कणक ते झोना की खेती सब तो ज़्यादा की जाती है। सेंट्रल असैम्बली विच वटकेश्वर दत्त नाल किसने बंब सुट्टिया सी? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਟਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਦੋਨੋਂ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਨੰਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫਸਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਢਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਮਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਲ ਕੰਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਹੱਲ ਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਇਮਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖਾਸ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜੀ ਖਾਸ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦਾਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਤੀ ਕੋਣ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਤੀ ਕੋਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਘਟਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਤ ਕਲੱਬ ਅੰਜੂਮਨ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੌਟਲੀਬ ਵਿਲਹਿਮ ਲਿਟਨਰ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਕਲੱਬ ਅੰਜੂਮਨ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਾਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਬਲਪੁਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। 1 ਜਨਵਰੀ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਸਦਨ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦੀ
जोड़ मेला आयोजित किया जाता है। पार्टीशन म्यूजियम पंजाब विच किथे स्थित है? तो पार्टीशन म्यूजियम पंजाब विच अमृतसर साहब दे विच स्थित है। मशहूर गीत जय हो नू इन्हां विचों किस पंजाबी गायक ने गाया? तो जय हो गीत नू सुखविंदर सिंह वल्लों गाया गया सी। पंजाब सरकार की केड़ी स्कीम बेरोजगार व्यक्तियों नू स्वै रोज़गार के लिए 3 या 4 पहिया वाहन की खरीद करने ते सबसिडी दिंदी है? तो इसका राइट आंसर है अपना अपनी गड्डी अपना रोज़गार स्कीम। पंजाब की सीमा किहड़े देश नाल लगती है? तो पंजाब की सीमा इन्हां विचों पाकिस्तान के नाल लगती है जी। साल 2011 की मर्द शुमारी के अनुसार पंजाब की आबादी वाधे की प्रतिशतता किन्नी है? तो 13.89% पंजाब की आबादी वाधे की प्रतिशतता है जी। इन्हां विचों किस देश विच सिख आबादी सब तो ज़्यादा है? तो कनेडा दे विच कैनेडा दे विच सिख आबादी सब तो ज़्यादा है जी। इन्हां विचों किस द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि कोई बिल धन बिल है या नहीं? तो मनी बिल है बिल या धन बिल नहीं है, तो ये प्रमाणित करता है जी स्पीकर। डैश परत एक अधिक ढाल वजो काम करती है अते सूरज तो आ रही हानिकारक प्रावैंगनी विघना किरणा तो बचाती है। तो ओजोन परत है जी वह प्रावैंगनी किरणा तो बचाती है। हेठा दित्या विचों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद तहत सुप्रीम कोर्ट कोल नागरिक के मौलिक अधिकारों नूं लागू करने लई एक रिट जारी करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 का राइट आंसर है। भारतीय संविधान का हेठा दित्या विचों केड़ा अनुच्छेद राज्यां नूं ग्राम पंचायतों नूं गठित करन अते उन्हां नूं शक्ति देने का निर्देश दिंदा है? तो आर्टिकल 40 इसका राइट आंसर है जी। मध्यवर्ती अते जिला पद्धर ते पंचायतों के चेयरपर्सन किस द्वारा चुने जाते हैं? तो यह चुने जाते हैं पंचायत मैंबर द्वारा ही। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है जी। डैश अदालत का हुक्म होता है जो हेठलिया अदालत या पबलिक अथॉरिटी नूं सही तरीके नाल अधिकारित ड्यूटी करने का आदेश दिता है? तो इसका राइट आंसर है जी मैंडामस दी रिट। हेठां दित्तियां विचों किहड़े मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 विच शामिल नहीं हैं? तो अनुच्छेद 19 दे विच बोलण दा अते प्रगटा दा दी स्वतंत्रता दा भी अधिकार है, एसोसीएशन अते यूनियन बनाउण दा भी अधिकार है, किसे पेशे किते व्यापार जां कारोबार करन दा भी अधिकार है, पर विचार विश्वास अते धर्म दी आजादी दा अधिकार आर्टिकल 19 दे विच नहीं आउंदा। तो इसका राइट आंसर है जी अपना डी। मनुखी दिल विच किन्ने खाने हुंदे हन? तो मनुखी दिल दे विच 4 खाने हुंदे हन। भारत दे मुख चोन कमिशन नू डैश द्वारा महादोष दे जरिए ही पदवी तो हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है जी संसद। डैट्स ऑल गाइस, जे वीडियो चंगा लग्या तो लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ, जे हले तक मेरे चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।